नमस्कार। क्यों बा क्यों बागी ना अच्छा। ऋषिकेश जी अच्छा नमस्कार। विवेको वाड़े अरुणेश कुमार गोलू आशीष पाठक एहसान शेख प्रभास शर्मा आशीष रंजन सिंह शहजाद अली सौरभ तिवारी अरे हम गुरु जी ना आए हैं सौरभ सन्नी रंजन अरुणेश कुमार गोलू मोतिहारी सोहन वाह का बात जिला विशाल यादव कहते रहे बानी जा। हाँ तो शुरू करता नहीं गोल ला दिन रहे लोग इनके पता चल कि लॉकडाउन में बहुत जाना के पुरनिया लोग मतारियों लोग देखता आ बुझे कोशिश करता कि अभी का भइल बा ना काका होता दुनिया में। तो एक चीज तो सब क्यों के ध्यान में रखे के बा कि 24 तारीख से ही लॉकडाउन भइल ह। अब 3-4 दिन बीतला पे बहुत लोग ठंड ढीला पड़ जाला तो वो ढीला नहीं खे पड़े के वही तरह हर दिन पहले दिन खातिर तैयार रहे के बा एक दिन सुस्ती नहीं खी कर सकत जा हमनी के ना रउआ लोग केहू नहीं खे कर सकत। जौन बात बतावल गई बा कि हाथ साफ रखे के बा मुंह के एरिया नहीं छुए के और सामाजिक शारीरिक दूरी रखे के बा 6 फीट का। वो गोजी लाठी कुछ बनवा ली आ केहू आओ तो 6 फीट पर नाप के 6 फीट का बनवा ली आ वही से ओकरा उतना दूर रखी खोद खोद के तू रहो उतना दूर नजदीक सटत जौन तारा छिकला खसिया से या हमारा खसिया छिकला से तारा पहुंच जाए। तो लक्षण वगैरह सब ध्यान से देखी लोग दुनिया में बहुत तरह के रिसर्च आ रहा बा लेकिन कोई बहुत ठोस नहीं खे आइल जे ओकरा के हम बताई। तभी बतावे के जो मूल बात ई बा कि देखी हमनी के एनडीटीवी के रिपोर्टर लोग रहे मार जम के रिपोर्टिंग कैलक लोग कि लाखों के संख्या में मजदूर लोग जा रहा बा पैदल जा रहा बा भूख से ओकर अंतड़ी सूख गई बा केरल से मालापुरम से आला पूजा से केसरिया के मजदूर लोग फोन कर रहा कि वो लोग के खाना के जरूरत नहीं है। अखबार में हमनी के पढ़तनी सन कि सब जगह निमने इंतजाम बा लेकिन मजदूर लोग कहता कि खाली मीडिया दिखावता कि इतना इंतजाम होता इतना इंतजाम होता आप पहुँचत केहू के नहीं है। दोनों बात सच बा एक तो इंतजाम होता लेकिन इतना स्केल में लोग बा कि ओकरा तक इंतजाम नहीं पहुँचत काहे से कि लॉकडाउन जो लागल बा तालाबंदी जो भइल बा अगर तालाबंदी कहल जाओ तो ओमे का होता कि मजदूर लोग एक जगह थोड़े रहेला छिटाइल छिटाइल कोनो ये मोहल्ला में कोनो वो मोहल्ला में कोना घर में 10 में कोना घर में 20 में। अब रउआ मानतनी कि स्कूल में इंतजाम कर देनी अब रास्ता में कर्फ्यू लागल बा तो के तरह के उचल के जाई आ 2 टाइम खाना देतनी आ भाई तनी खाऊ के तू मन करेला मियाज करेला कि तनी कुछ खाली तनी कुछ खाली नाश्तवा के करी मैंने रात के 9 बजे खैला खैला 12 बजे। तो सूरतों से भी लोग बहुत मजदूर लोग फोन कैलक है कि बड़ा कष्ट बा आ खाली मजदूर लोग ना मैंने छात्र लोग जो कोटा गई बा पढ़े विशाखापट्टनम गई बा पढ़े जो दिल्ली में पढ़ता इलाहाबाद में पढ़ता और किराया के देवे के टाइम आ गई बा वो तो ना जा सकल आ ओकरा लगे खाना के तरह मिले पहुँचो। अब सारा आदमी निकल निकल के आ जे लोग टिफिन पे जियता टिफिन तो बंद हो गई तो के तरह खाओ सारा लोग पहुंच जाए तो लॉकडाउन के मतलबे का रहे। लेकिन अब हमनी के खूब खूब गरियोला सन कि ये लोग खाली मजदूर के देखा देखा के टेंशन कर रहता लेकिन मजदूर जी हमनी के जिला जवार के लोग हो तब न लोग फोन रहता सूरत से फोन कराता फोन हमारा इतना बाजत है कि हम देखा दिन में तो हैरान हो जाए इतना बाजत आई फोन तो लोग फोन कर खाली मजदूर ना हो सन हो सकता हमनी के रहा और कौन रिश्तेदारे हो क्या गाँव के रउआ बड़ बन गई नहीं तो हो गई सारा काम अपने देख ली तो चिंता कहीं नहीं आसान हल्ला कहीं नहीं आसान चीत फाटल था देखा था नहीं कि लोग मेहरारू लोग कल रातों को देखनी कि 12 बजे रात के लड़का के बड़ बड़ लड़का के 6-6 बरिस के लड़का के गोदी में लेके लसरा चलल जाता चलल नहीं खे जाते लोग से केहू सोचे वाला ना रहे केहू के प्लानिंग करे के चाहिए जैसे बंद कैले और सारा फैक्ट्री वाला के मकान मालिक सब निकाल दल सन तो लोग जाए लागल। अब दूसरा ड्रामा शुरू होता
कि अब बस बस से भइल तो बिहार, अब जोगी जी जगले हैं देर से तो कहलें कि ठीक बा हम 1,000 बस लगा के अपन अपन जिला में लोगों के पहुंचा देते हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं फिर लॉकडाउन के का मतलब भइल, इतना लोग जब पहुंच जाई उनके यहाँ, तो उनका वे चिंता बा क्योंकि जानता रही कोनो चीज बा ना हो जा, अस्पताल अस्पताल नहीं क्या बबुआ, हमारा के रवीश के गरियावला से हुई ना। अब भोजपुरी में बोला था नहीं तो आईटी सेलवा वाला सब भोजपुरी में लिखे लागल बड़ा सन, सिखा दे नहीं भोजपुरी कह दे, हम सकारात्मक नहीं करते, हम ये चीज बताई कोनो कमी देखे तो बोलल हमार काम मनु, हमार काम है, हम वही बोलत रहनी है वेंटिलेटर के बारे में। तो देखी अब लेट 1 हफ्ता 10 दिन लेट कर दलक लोग, ये लोग बोले में खाली, लेकिन बोलनी है गाड़ी सुननी है लोगों के कि ई पॉजिटिव बोलने खन बोलत, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं करते के बोली, हम ही बोलत रहनी है, और ही लोग 2-4 अंग्रेजी के पत्रकार लोग बोलत रहलक, लेकिन सब लफा सेटिंग में टीवी से खाली प्रचार होता, खाली प्रचार होता, कोनो के टेस्टिंग चेक होत कि कहाँ जोन सिस्टम बनल बा लोग के मिलत आ कि नहीं मिलत, ये सब देखे के चाहिए। तो खैर लेकिन जब खूब चलावल गई ल टीवी पे तो अब असर भइल ह, अब मजदूर लोग के दिल्लियों सरकार से ये आदेश आइल बा कि कहीं जाए के तो वैसे जरूरत नहीं है। आई बार ठीक बा कि अब सब लोग पहुंचे लगी या कहे लगे कि हम फंसत नहीं तो फिर लॉकडाउन तोड़ ही के पड़ी, वोकर इंतजाम तो पहले ना सोचल गई लू, तीर चलाला के बाद लोग निशाना ढूंढत है तिरवा गई के न झड़िया में जाके ना मार देनी छाका, और झड़ी में जाके गेना खोजा देनी, वह होता है बरा किसी हम रोकला तो नहीं कोनो काम, हम खाली कहते न बनी भाई कि भाई होता नहीं क्या हो, क्योंकि रोकत तो नहीं थी, ये न जागरूकता लोग कहता रहुआ जागरूकता फैलाई, तो भाई वेंटिलेटर के जागरूकता हम फैलाओ तो अस्पताल में क्यों ही नहीं कह रहा लोग इनके। तो अब जोगी जी बस दिले हाँ कि गाजीपुर ले लोगों के दिया ही, अब हुआ से लोग अपना अपना गाँव जब बक्सर बिहार वाला बाल लोग केंगे जाई केंगे ना जाई, अब वो तो एगो चुनौती तो बा, एगो बहुत अच्छा काम भइल अगर हुआ लेकिन जानत नहीं कि दिल्ली सरकार दिल्ली में वो ग्रुप गूगल मैप में ही कम से कम 500 सेंटर के नक्शा बना दिले बा, आ उ सर्च कैला पे आ जाता, केहू मान लीजिए कि पूछता कहीं लोनी में फंसल बा, केहू करावल नगर में फंसल बा, नबी करीम से लोग फोन कैले रहे कि भैया हमनी के खाए के नहीं खाए जरूरत 2 दिन हो गई खैला बिना, केहू रही के तरह रही, ये लोग केहू लोग ना सोचलक लोग, खाली सेंटर खोल खोल के बुझ गए लोग, लेकिन करे के चाहते रहे। डॉक्टर मैथ्यू कहले कि जानत रह एक करे के ही चाहिए कि ठेला पे खाना पैकेट में रख दिया हो आ उ ठेलवा लेके एगो आदमी चलो, तो मान लीजिए कहीं जहां मजदूर लोग रहता गली में आवाज दे जाओ लोग आओ अपन 4 पैकेट 2 पैकेट लेते चल जाओ लोग और ठेला जाओ, तो ये तरह के सप्लाई करे के चाहते रहे व्यवस्था। दूसर देश है भाई गरीब आम आदमी हुआ सन, खाली मिडिल क्लास ट्विटर पे ट्रेंड करा दी तो वह हुई क्या ना हुई ओकरो के सोचे के बा। तो अभी लोग खाना का कहते रहे सिसोदिया जी कि 600 स्कूल में हम खाना का इस्तेमाल कैले बानी, तो रउआ लोग अगर दिल्ली के आसपास बानी तो घबराई मत, पुलिसों के कहीं कि हमनी के भूख लागल बा आ हमनी के खाना के सेंटर दिल्ली सरकार के दिखाई नहीं दे तो रउआ कोनो मदद कर दी, वहां से जा तो ले आ दी ना तो हमनी के बारी बारी से जाए दी, ऐसे कि दोपहरिया में 12 से 3 लंच मिला था आ फिर 6 से 9 डिनर मिला था, ओकरा बीच में कहाँ मिली भगवान जानस। तो ये तो बात बा, और देखी कि भारतों में अब स्टेज 3 के तैयारी शुरू हो गई बा, तीसरा चरण में हमनी के ढूक गई जा, आ स्टेज 3 हो बड़ा खतरनाक रोज आवे लगी खबर, अब उमे जगह जगह अस्पताल बनता रेल के कोच के अस्पताल बनावल जाता, अब लोग जागल हो सारा अमेरिका में दुनिया भर में 27,000 से बेसी लोग के मौत हो गई बा, लगभग 6 लाख लोगों के ई वायरस हो गई बा, भारत में 873 मैंने ये आंकड़ा सब बदलत रहता रहसन रोज, कहीं घटत नहीं है, मान लीजिए कि कहीं रुकतो बानू तो होता कि अपडेट करे में जोड़े में टाइमो नहीं लगाता, अस्पताल में खाली ये डेटा डालल काम नहीं खेनू मरीज के इलाज करे के काम बात, ये सब काम बातों में तनी देर लगाता, तो 1 दिन भूल देना 3 गुना बढ़ जाता है, 1 दिन भूल देना 4 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ते नहीं है, अभी कहीं से कोनो बहुत अच्छा खबर नहीं खे आवत। तो अब अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि हो सकता कि हमनी के स्टेज 3 के तरफ जाता नहीं सन, आ दिल्ली में हर दिन 1,000 केस आवे लगी हर दिन, तो ये एक चिंता बा, आ हमनी के बुझात नहीं है कि जगह तो नहीं हतो बार बार चल जाता है, एक रोके के बाद सीखे के बाद
कहीं खजवाई कहीं नोचे के हाथ नीचे जाएगा। मैंने यो ट्रेनिंग रहुआ ध्यान में देखे के बा, तो हमारे नोचनी होला ना कहीं यहाँ वहाँ आदमी छू देला, उन्हें क्या छुए के बड़ा कष्ट होता, मैंने हाथ से करी कि क्या करी, लेकिन सीखें के पड़ी। तो उ बात बा कि हमनी के टेस्ट बहुत कम करता नहीं सन। अब है नु अब देखी जर्मनी जे बा, जर्मनी कहता कि हम एक हफ्ता में 7 दिन में 5 लाख टेस्ट करते नहीं। जर्मनी 5 लाख लोगों के टेस्ट होता, आ अमेरिका में उतना तो एक हफ्ता में नहीं होते, लेकिन ए बरा ले 6 लाख लोगों के टेस्ट हो गए बा अमेरिका में, उससे बेसिये होते ही, लेकिन हुआ फास्ट भइल बा पहले से। तो जब जितना टेस्ट हो तबे ना पता भाई भाई कि रउआ भइल बे ना कि ना, रउआ में लक्षण बा कि ना, ओकर का दवाई कर जाओ का उपचार कर जाओ। तो टेस्ट इंडिया में कम होता, बहुते कम होता, तो मालूम नहीं है कि केहू के का हुई। अब देखी कि जैसे अभी हम एगो डेटा रउआ के बताओ तनी कि 6 मार्च के भारत में 3404 टेस्ट भइल रहे, आ ए बराले 28-29 हजार टेस्ट भइल बा। यह कुली कहानी बा, टेस्टिंग बड़ा स्लो हो गई बा, एमे हमनी के बड़ा नुकसान कर दिले बानी सन। पता नहीं है केहू के टेस्ट नहीं के हो, कहाँ कहाँ घूमता रहता, मान लीजिए केहू में हो सकता है, आ पटावत चलता ये बीमारी तारा से हमरा से रउआ से उनकरा से फैलते फैलते फैल जाता, ओकरे के कहल जाला स्टेज 3। तो हमनी के टेस्टिंग बहुत कम नु करत नहीं सन। आ हाल देखी 16 मार्च के इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये बहुत बड़ा संस्था है मेडिकल रिसर्च करे के ना, डॉक्टर लोगों के दवाई लोगों के रिसर्च करे के, इनकर मुखिया बलराम भार्गव वाले वो कहले 16 मार्च के कि हम एक दिन में 10 हजार हमनी के टेस्ट करम सन। आई अभी आज ले निकल 16 मार्च के, आ फिर 24 मार्च के बोला था कि 12 हजार टेस्ट करम। तो यह कुली पूछल पत्रकार के काम हो, आ लोग कहते मैं सकारात्मक सहयोग करी, कौन चीज के सहयोग करी, इन्फॉर्मेशन छुपावे में लुका दी सारा, आ जिंदगी लोगों का खतरा में पड़ जाओ, मैंने ये भरा यह काम जोन कहते नहीं तो उनको कहनी नू, हम ही नू कहनी कि ईएमआई माफ करो, हम ही कहनी कि किरायादार के ऑर्डर पास करो कि कोनो आदमी किसी का किराया नहीं लेगा, कहनी। अब हमारा कहले से भइल कि ना भइल, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जहाँ बा वहाँ के डीएम बानी बीएन सिंह, बड़ा अच्छा फैसला ले बनी वो, और कोनो डीएम ले सकता हो, राष्ट्रीय आपदा कानून में ओकरा अधिकार नू दहल बा। अब वो कह दिले बड़े कि 1 महीना तक यहाँ ग्रेटर नोएडा में कंपनी में काम करे वाला, ऑफिस में काम करे वाला जे भी आदमी बा ओकरा से केहू किराया नहीं खेले सक, बहुत बड़ा फैसला बा। और निकाल देता रसन मकान मालिक सन, स्टूडेंट लोगों के भी निकालता रसन, कहते रसन तो नहीं के जाए जैसे। तो ये अगर फैसला राष्ट्रीय स्तर पर हो गई रही, ये प्लानिंग लोग कहता कि हम 17 जनवरी से तैयारी करते नहीं, तो जी अभी क्या पता चलता, तीर छोड़ला के बाद आप रहुआ तीर खोजते नहीं, पहले का है ना ये सब बताओ नहीं है, कितना मजदूर के निकाल दला सन, कहता सन कि किराया मकान मालिक निकाल देता, तब न लोग भागल है कि घर जाई। आ ये को चिंता होता कि कितना दिन बंद रही, पैसा केहू के लेकर रखे न, तो 2 टाइम खाई, अब बा संकट बात बात, तो लोग सोचा था कि घरे पहुंच जाए, क्योंकि बाबूजी बीमार बढ़ा, क्योंकि मतारी बीमार बढ़ी, तो लोग सोचा था कि चल जाई। अब वो केरल से दुलार यादव फोन कर रहे हैं, नरकटियागंज के रहें हैं, कहल हैं कि हमें वापसी मुँह गई हैं, आ देखी ना जी हमारा जाए के कोनो व्यवस्था नहीं है, कह दी हम तो अब हम केरल से हम तो कोनो मंत्री नानू हैं, हम तो लिख देवनी या पूछ देवनी या लोग गरियावेला हमारा के, आप भोजपुरी में बोल कर लोगों का जागरूक करे के कोशिश नहीं है, तो ये आईटी सेल वाला भोजपुरियों में गरियावे लगल सन, हमरा के कविता लिखता रह सन कि तू चुप रह, काहे चुप रही, हमारे बहुत जल्द रिश्तेदार लोग कहीं 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 कमाए गए बोलो, वो लोग खाना नहीं खे मिला, सब जाना लोग खाली मजदूर लोग ना, ये बात विचार ना चलेगी, खाली मिडिल क्लास बैठ के ओकरा टीवी देखेला कौन प्रोग्राम देखे के चाहिए वह चली का बताई जी। आ लोग गरियावत एगो हम पोस्ट लिखनी है के प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू भइल, ये कौन जनता मांग करत रहल, तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रुआ शुरू कैनी है, आ कहते नहीं जनता मांगता था, जनता तो ए बेरा पैदल रोड पे चलता भूख है, किसान के फसल का चिंता भइल बा, ओकर बिकाई के ना बिकाई, संतोष जी पटना से फोन कर कसी जल कहला बैगन सरता, जकर बैगन सरता उहे मांग कैलक कि हमने के रामायण दिखाई,
ये के मांग करत है लोग। आधा आदमी तो परेशान बा कि हमनी के किराया देवे के पैसा नहीं खे, ईएमआई देवे के पैसा नहीं खे, बैंक के लोन पर घर किनने बा लोग, सब जने के घर लोन पर बा। आ जाए गांव में लोग हंकले बा लोग कि दिल्ली में बड़का फ्लैट किन ले बनी, सब जने के हीरोगिरी निकलता। मामूली समय बा, अपन परिवार रख ले बा, लड़का रख ले बा, कहाँ जाके पैसा दिया सन, ओकनी के सैलरी नु कम होता सारा लोगों के। तो के रउआ चला दी जोन जोन करे के बाद तौन करी, लेकिन पत्रकार के तो पूछल फर्ज बनत न कि जनता रोड पे बा, जनता भूखे भी आ, तो कौन जनता टीवी सीरियल देखे के मांग कर लगे। तो चलाओ तरह सन की रामायण के खिलाफ बोलत, हम रामायण के खिलाफ बोलनी है, हमारा अकील नहीं खे, हमरो अकील बा, हम जानत नहीं, हम रामायण के खिलाफ नहीं बोल सक, काहे बोले जाए भाई। हम बोलत नहीं कि जौन समय में रउआ जनता के मदद करे के चाहिए, रउआ टीवी सीरियल चलाओ तो नहीं, यह बड़का काम है। पूछी अस्पताल के बारे में, पूछी मास्क के बारे में, सारा डॉक्टर लोग तो परेशान बा, डॉक्टर लोग के जितना फैमिली के लोग बा, एक जाना के लिखला के हमारे दीदी डॉक्टर बड़ी आ उनका कुछ नहीं के मिलल, रउआ बोल दे, तू क्या बोलो तो दीदी काहे नहीं की बोलत, तो कहता कि डरा तरी, उनका चेहरा नहीं आवे के चाहत। नालंदा मेडिकल कॉलेज में लोग बड़ा डराइल बा, नर्स लोग डराइल बा। तो पत्रकार ने बोली कि भाई एकनी के मास्क नहीं खे, पीपीई नहीं खे, अब बोल रहे हैं, अब जाके बोल रहे हैं कि हम जाके हम सब इंतजाम करते नहीं। तो हमनी के रामायण सीरियल के बात के रुआ सोची तो नहीं, बुद्धि बेच मत दी। ए बेरा सबके हाँ जान प्राण हकासल पियासल आदमी रोड पे चला था, रामायण सीरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट बा क्या? आई जान तो नहीं कहे फैसला लेल जला, जानत सन कि हमनी के कुछ लोग बोले सन तो एकनी के धर्म के विरुद्ध देखावल जाई है भाई। अब इनो एहु समय ये चलता, जागरूकता के प्रोग्राम ना लॉन्च करती कि लोग जानो केंगे बाँचल जाए। अभी बहुत लोग मानसिक दबाव में बा, मानसिक विकार में बा, ओकर काउंसलिंग शुरू करवा देती तो 9 बजे दिन में रामायण रात को ना, ये बड़का काम बा। तो पूछिए देनी तो इतना कहे बिल बिलाता लोग, इतना बिल बिलेला के जरूरत नहीं है। तो टेस्ट हमनी के अभी आज के तारीख में भी हमनी के 30,000 की उड़ल सन, आज के तारीख में सोची महीना से बेसी होता। काहे नहीं आपका टेस्ट बढ़ा, क्या इंतजाम था आपका? एडवाइजरी या नोटिस मत दिखाइए, बताइए इंतजाम रोड पे क्या था बिहार में, बताइए। कल कोई कह रहा था कि टेस्ट नहीं हुआ, 12 करोड़ की आबादी है, जर्मनी 1 हफ्ता में 5 लाख टेस्ट कर रहा है, लबर तबर बतिया देने से थोड़ी होगा। आ एजेंसी लगा के आ सब जना के लगा के रवीश के गरियाओ, अरे भाई सबके भविष्य दाम पे लगल पर रवीश के गरिया क्या कर बोलोगे? आप बोली नु कि डेरा पर रहे डेराएगा नहीं, कर देखी बलिया प्रशासन के लोग बुझ गए लग लोग काम ही ठीक कैले बा, तो वो लोग अपना सोशल मीडिया में मोटो बना दिले बा, मीम बना के चलौलक हलो कि लोग डेरा पर रहे डेराएगा नहीं के। तो हम तो मनोबलो ऊंचा करत नहीं, एकदम ढीला नहीं खड़ा रहे के, टाइट रहे के बा, ये बात सब सीखे के चाहिए रहुआ लोग इनके। आज ले 16 मार्च के कहले कि हम एक दिन में 10,000 टेस्ट करें, आज ले 10,000 टेस्ट नहीं खन कर सकत, एवरेजे पड़ा था रोज क्या 1500 नहीं का, हम गणित में तो नहीं कमजोर रही, तो 1200 पड़ा, ज्यादा से ज्यादा बेसी से बेसी एवरेज 1200 टेस्ट होता। ऐसे हमनी की यहाँ संख्या कम बा, जांच होगा तब न पता चली। तो ये बहुत ही दुखद बात बा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैसला भइल ह, बहुत लोग फोन करत रहल ह कि ई अच्छा फैसला बा केंद्र सरकार के तरफ से। अब देखी लॉकडाउन से पहले, तालाबंदी से पहले रहुआ ना सोचनी तो अब बस चलावे के पड़ल, अब ओमे भी दो तरह का अंतर एक और बार हो गई कि जे मजदूर जे छात्र राजस्थान के कोटा में फंसल बा, ऊ कैसे जाई पटना तक, ऊ कैसे जाई कटिहार तक। बहुत लोग के लड़का लोग दो दो दिन से खैले नहीं खे, मतारी लोग फोन कर के रोता, ये हम लिख देते नहीं तो हम ही लोग कहते कि हम सकारात्मक काम नहीं करत, ये लोग के काम हो गई बका, ये लोग के काम हो गई बा, ठीक बात नहीं है। सोची रहुआ लोग ऐसे भोजपुरी में नहीं हाँ कि ये सारा टीवी वाला का काम बा जनता के बेवकूफ बनावल, बुझ जाइ आज, ये हम टीवीओ पे कहे नहीं, घूम घूम के कहता नहीं, वो कोनो पत्रकारिता होता, चकोड़ाबाजी होता खाली।
खाली चकोड़ाबाजी होता है पत्रकारिता के नाम पे। तो ये बात देखे के पड़ी कि रोवा हम तो टेस्ट के बता दी, लेकिन खेती पे बड़ा अच्छा एक फैसला भइल कि अब गेहूं का कटाई शुरू हो सकता। सरकार कह दिले बड़ी, अब गृह मंत्रालय भी अब जो अमित शाह जी के जो मंत्रालय बा ओकरा अधिकार बा मंत्रालय के, तो छूट दे दिले बा कि तालाबंदी में के खेती अब कटाई हो सकता। तो गांव में जकर जकर गेहूं खड़ा बा उ कटावल से शुरू करे लोग अपन अनाज अनाज यानी अब गांव में अब एक्टिविटी तो शुरू हो जाए। तो एकर कम से कम तरीका बतावे के चाहत रहलक, उ लोग ना बतौलक लोग। अब हम पूछत नहीं, देखिए एगो एगो अफसर फोन कैलक, पुलिस अफसर, कहलक कि हम गांव गांव में घूमत नहीं, बड़ा लोग दुखित बा, उपिए के रहे, कहत कि अब ये फैसला भइल हमके ना, तो नीमन फैसला भइल जी के अमित शाह जी के मंत्रालय से नीमन फैसला भइल कि खेती अब शुरू हो को कटाई। तू कहले कि ये अधे भइल, लेकिन मजदूर लोग के बताया बा कि वो लोग एक जगह जाके ना खड़ा हो, 6-6 फुट के दूरी पर रह के गेहूं काटो लो। अब वो अनाज मजदूर लेके गांव तक अहिया सन, गांव के खलिहान में रखिया सन, फिर दवाएं दौरी हो हुई। तो ये सब के भी तरीका है, वो बतावे कि पड़ी जागरूकता खातिर। केहू नहीं खे करत असली काम, खाली काम बात बजे पूछे वाला बा न, गरियाओ लोग रवीश के वैसे का हो, हम बोलना थोड़ा छोड़ दे, एक बात हमार गलत नहीं खेबल, जौन बात हम 10 दिन पहले कहत रहनी है वह बात अब होता। बताई बताओ तो निर्वाह देखी 21 तारीख है शनिचर, आज शनिचर हनु, पिछला शनिचर के फेसबुक पर हम वेंटिलेटर पर लिखले रहनी कि ब्रिटेन 30,000 वेंटिलेटर के इंतजाम कर रहा बा, जर्मनी 30,000 वेंटिलेटर के इंतजाम कर रहा बा, उससे पहले ही सब पुरान खबर रहे, आप भारत कुछ करते नहीं है। तो 21 तारीख रहे, खूब गरियाला सन ये आ गया नेगेटिव खोजे वाला। अरे भाई है ये नहीं है तुम्हारे अस्पताल में वेंटिलेटर, जाओगे कहाँ? बीमा का पॉलिसी से इलाज होता है, वो डॉक्टर है, बीमा का पॉलिसी कामे आएगा? क्यों नाम ले बेरा बीमा पॉलिसी के, क्यों पूछन यार नहीं के, लोग खोजा था अस्पताल कहाँ बा, डॉक्टर कहाँ बा, नर्स कहाँ बड़ी, कुछ नहीं है रहुआ। लैब टेक्नीशियन एकनी के कॉन्ट्रैक्ट पर रख दल, एकनी के तनख्वाहों क्यों ना देला ढंग से। एम्बुलेंस के कर्मचारी के पूछी ना कितना 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 पेमेंट बाकी बा, पता तो करी, तो क्या इलाज करी? वो सिस्टम रही हमनी के पूछले रहती सन, हाई बाकी चकोड़ागिरी जन करत तरह सन गोदी मीडिया वाला, 2 महीना में सिस्टम ठीक हो गई रही। मैनेजमेंट होता छुपाओ लुकाओ सारा खबर को, हमनी के इमेज ठीक जात रहो पब्लिक में, भले करी सन कुछ ना लेकिन चेहरा चमकत रहो, फुल पैंट पहन के गांव में ना ससजिया कहानी हीरो निकल गया अपना तैयार, कहाँ जाता रहो बड़ा काम कैले बनी हम, चश्मा उश्मा लगा के घूमते रहो चलते रहो चौक पर, लोग बुझाते ये गांव के सबसे बड़ा कर्ता धरता हूँ हुए हुए। तो देखिए हम 21 शनिचर के लिखनी वेंटिलेटर के बारे में फेसबुक खूब गरियाल सन, 22 तारीख के एगो एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी बड़े लव अग्रवाल, उनका कई बार हम हेल्थ सेक्रेटरी कह देनी, तब ये लोग बनेला सब सेक्रेटरी, वो कहले कि हम 1200 वेंटिलेटर, देखिए बात सही कहते हैं जायज कहते हैं, वो कहले जब दबाव में आके जब कुछ और पत्रकार लोग पूछ लग, तो कहले हम 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिए, ओ बेरा जब दुनिया का हर देश कहत रहे कि 30-30 हजार वेंटिलेटर चाहिए, हमारा 60 हजार वेंटिलेटर चाहिए, हमारा 10 लाख वेंटिलेटर चाहिए, तो यहाँ के भूलियावा तो नहीं आके मीडिया में कि हम 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया, वो कहीं के हेडलाइन चमका दे तरह से पूछत नहीं कर सर, राउर जिंदगी मीडिया, देखिए मीडिया राउर जिंदगी दांव पर लगा दी एक दिन, बुझी मत सुनिए हमारा का, हम वोट मांगा दे इनसे, हमारा को फैन नहीं खे बटोरे के, हम तो लोगों से खुदे गए भाई हमारे फैन वन मत बना लोग, जा लोग छोड़ा लोग हमारे पिंड, हम अपना अकेले रहे, हम ना भीड़ के साथ चले ली आ ना भीड़ बनावे ली अपना लगे, हम अपना अकेले चले वाला आदमी अकेला डेरा डेरा के। तो 22 तारीख वहां का कहनी थी, लेकिन 22 तारीख हम 2 गो पोस्ट लिखले रहनी वेंटिलेटर के कमी पे, फिर 23 तारीख के लिखनी वेंटिलेटर पे, आज 24 तारीख के भी 2 गो पोस्ट लिखले बनी वेंटिलेटर पर जब लॉकडाउन भइल रहे, और तब जाके 3 दिन बाद 27 तारीख है, ओकरा बाद देखी प्राइम टाइम में हम वेंटिलेटर पर बयान प्रोग्राम देखल रहनी रात में 27 तारीख है, तब जाके केहू को पतो ना रहे कौन कंपनी बना होता, अब वो कंपनी का अब नाम आता सारा जगह इंटरव्यू में चलता होकर डायरेक्टर डायरेक्टर के,
तब जाके लव अग्रवाल जी कहले हाँ कि हम 40,000 वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं। 22 तारीख को वहां के कहनी कि हम 1200 वेंटिलेटर का इंतजाम करेंगे। 27 तारीख को वहां के कहे के पड़ल कि हम 40,000 वेंटिलेटर का इंतजाम करेंगे। साँच बात के ना हई आईटी सेल फेसबुक पे लोगों के गरिया के ना दबा नहीं सकत रहुआ। आज सबके जिंदगी दांव पे पड़ गई बा, क्योंकि नेता लोग मूर्ति बना के नेतागिरी करत रहलख लोग, अस्पताल ना बनावत रहलख लोग, गरिया दिला से कम पड़ जाए, म्यूजियम बनावत रहे लोग कि हम राजा खानी देखी अंडरग्राउंड पास की, हियाँ से हम जाए हुआ से जाए तो क्यों के लौकेम ना। ये होता तो जनता बनी तनी, गांव में लोग चलाओ तो गरियावे के लेना ना देना कुछ, पढ़ना ना लिखना 22.5 आ एकनी के लड़का बहिल बड़ा सन, खाली गाड़ी देते रहते खाली लड़का बड़ा सन, एमे गाड़ी देवे आओ तरह से। तो खैर कोनो बात नहीं है। तो अब देखी कि कह के पड़ल कि हम 40,000 वेंटिलेटर बनाएंगे। तो 21 तारीख के हम लिखनी, 16 तारीख के ब्रिटेन के सरकार के प्रधानमंत्री, 16 तारीख के सोची सारा कार बनावे वाला कंपनी के साथ मीटिंग कैले कि भाई हमने के वेंटिलेटर बनावे के बा, हमने के पास बेसी नहीं है 8,000 बा, तो जल्दी से कम 12,000 का कर जाओ आ जल्दी से फिर बढ़ा के 30,000 कर जाओ ब्रिटेन में। आज 16,000 16 तारीख तक तो हमने के यहाँ नावे ना निशान ना रहे। अब हम 21 के लिखनी, 22 के वो 1200 वेंटिलेटर बोल रहे, और फिर जाके 27 के कहले कि हम 40,000 वेंटिलेटर लाएंगे। अब एमें नीमन बात ही भैल कि जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अनुमान, अब आप अपन यूनिवर्सिटी के नाम कहीं सुनाई देता, राउर कस्बा वाला कबाड़ बना के छोड़ दिले बड़ा सा, ताकि राउर लैका फैका पढ़ के विद्वान ना हो, लेकिन रउए इलाका के लोग पहुंच जाते जाके अमेरिका में कर रहा बार रिसर्च। एगो झांझी बाड़े हार्वर्ड के डॉक्टर, वह बयान देता रहे चारों तरफ अमेरिका में, बड़का भारी डॉक्टर बाड़े हुई है, लेकिन वो जहां से पढ़ले बड़े वहां एगो ढंग के कॉलेजों ना हुई बेरा, उनका परिवार के लोग जहां पढ़ ले अब का जाने वो अमेरिका में कहां से पढ़ ले। लेकिन बात ये बा, तभी 40,000 वेंटिलेटर में भेल कंपनी से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कहले हैं कि 1-2 महीना में भाई 30,000 वेंटिलेटर बना के दो, और ही पब्लिक सेक्टर कंपनी से कहल गई कि 10,000 वेंटिलेटर बना के दो। आज जुलाई तक जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी अमेरिका का यह रिसर्च कर रहा बा, एक रिसर्च के आजकल मान्यता भइल बा, ये कहता कि जुलाई तक भारत में 10 लाख वेंटिलेटर चाहिए। आ बा 50,000 ना, 17,000 ना, कोनो अखबार 50,000 लिखत रह सन, कोनो 40,000 लिखत रह सन, कोनो 70,000 लिखत रह सन, लबरइये में सारा दुकान बाजार चलत अजी। एगो ऑफिशियल आंकड़ा सरकारों के देवे के चाहिए ना, ये पूछल गलत बात बा, यह नु सकारात्मक बात बा कि सब चीज लोगों को सबका जानकारी हो ताकि लोगों में भरोसा हो। तो लोग यहाँ आंखें बंद करके भरोसा कर ले, कहते हम रामायण देखें, कौन लोग कहलक रामायण हम तेन बताई, हम जाने के चाहते नहीं, कहाँ जनता के इतना मांग पे मंत्री जी का इतना मांग पता चल गई, हमनी के जनता में नहीं रहा सन। तो लेकिन कहे के पड़ल 21 का हम लिखनी, 27 के यहाँ के कहे के पड़ल कि हम 40,000 वेंटिलेटर चाहिए। अमेरिका कहलक कि 100 दिन में हम 1 लाख वेंटिलेटर बना के अपना मित्र देश के भेजेंगे। तो भारतों को में कुछ मिली, भारतों एक गरीब मित्र देश भइल बा। आ मारुति कंपनी, महिंद्रा कंपनी सब जुट गई बड़ी सन वेंटिलेटर कंपनी से साझेदारी करके, एगो नया बिजनेस खड़ा हो गई, लेकिन अभी वेंटिलेटर चाही। अब देखी रहो कि अब हम एगो गंभीर बात के तरफ ले लेके जाते नहीं, हम जे बहुत बात इम्पोर्टेंट बात बा कि अगर रउआ टीवी देखता नहीं तो न्यूयॉर्क के गवर्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अपनों यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो 20 मिनट 25 मिनट में सब बात बतावता, अपन कमियों बतावता, अपन चुनौतियों बतावता, अपन वाहवाइयों करता, अपन फेलियरों बतावता। यहाँ लोग 5 मिनट में बोले देखिए अपना बजवाइनी है छोड़ देनी है। तो वहां पर न्यूयॉर्क में देखी कि एक दिन में 44,000 केस अभी तक हो गई बा न्यूयॉर्क में, 2 करोड़ लोग की आबादी बा। काहे से कि वहाँ टेस्ट बहुत न होता, अमेरिका में 6 लाख टेस्ट भइल है, रउआ कि यहाँ 30,000 अभी नहीं खबई टेस्टिंग। ई सब
10 दिन पहले हो जाए के चाहत रह आ ना भूल ई पूछे के टाइम आई तो टीवी पर रामायण दिखाओ भाई। वो सारा चैनल में तो रामायण ही चलता समझो, आरती नहीं चलता, पत्रकारिता थोड़े होता। तो वो गवर्नर का काल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनत रहनी, ओकर अनुवाद करके हम अपना फेसबुक पेज में भी डालले बनी, यही पर पढ़म रहुआ लोगिन। तो वो कहले बड़े गवर्नर कि 3 मार्च तक हमनी के पास 3,000 बेड रहे, लेकिन ए बरल है मैंने बिहान ले 27 तारीख ले 53,000 बेड का इंतजाम कर ले, और न्यूयॉर्क में अभी 40,000 ICU बेड चाही। खाली वो न्यूयॉर्क में 2 करोड़ के आबादी पर फैलता, तो तैयारी तो करे न पड़ी। तो अभी कई अस्पताल वहाँ बनाता, मैंने फुटबॉल का मैदान जैसे दौड़े वाला ट्रैक है, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, इस सब के अब अस्पताल में बदल के पड़ता। अब वहाँ के वो आंकड़ा चल रहा बा कि अप्रैल से एक दिन में 2,000 से बेसी लोग मरी, तो तब डेड बॉडी के ले जाला वो अस्पताल के फ्रिज वाला बस बनाता। बड़ा दुखित, बड़ा भयानक सिचुएशन है ये। मान लीजिए ना आई तो किस्मते के बात है कि ना होके, तो ये 20-25 होता कि जितना लोग हमें मुँह था वो ज़्यादातर वेंटिलेटर वाला, क्योंकि देखिए वेंटिलेटर पे आप 3-4 दिन रहीं तो ठीक होकर बाहर आ जाए, जितना ज़्यादा दिन तक उमें रह जाई तो मैं मुश्किल बढ़त जाला। अब जितना लोग मुअल बा गवर्नर साहब कहत रहे कि उमें 20 से 25 दिन तक लोग वेंटिलेटर पर रहल बा, तो ऐसे वो लोग के मैंने जितना बूढ़ लोग बा, मान ली तरह तरह के बीमारी वाला लोग बा, जकर शरीर कमजोर हो गई बा, ओकर बड़ा खतरा बा। तो घर में ओस ओके के तनी 6 फीट वाला गोजिया लेके लठिया लेके आ दूरी बना के रखे के बा बुजुर्ग लोग के, लगे जाए के नहीं खे। माई के मान ली गोड़ दबावे के बाद मुँह पर तनी ठीक से मास्क वास्क लगा ली, अरे माई के फिर गोड़ दबा दी बाबू जी के गोड़ दबावे के बाद, देह दुखाता माली मालिशे करे के होके बाद तो तनी नजदीक जाता नहीं, तो पूरा मुँह हाथ सब बांध ली, आपको हाथ को खूब बढ़िया से धो के जो हम बतौले रहनी हाँ उस तरह करके जाई, सेवा तो करे के बा माँ बाप के। तो वो एगो ध्यान में रखे के बा। तो अभी अस्पताल बन रहा बा भारतों में, रउआ लोगिन देखी कि स्टेज 3 के तैयारी हो गई बा, स्टेज 3 के तैयारी शुरू होता। जगह जगह लोग कहीं 100 बेड के अस्पताल बनावता लोग, कहीं पे 50 बेड के बनावता, खोज रहा बा लोग। अब लेट जनता तो जागरूक हो गई भी, अनुप तो देखत ये का बा। तो अब ये सब चीज़ देखल जाला बोलल जाला, हम को बेजाय बात नहीं कहली हाँ कहनी हाँ। 21 तारीख से हम वेंटिलेटर के बात करत हैं देखी, और 16 तारीख से इंग्लैंड के पर हम देखत हैं कि हुआ पर हुड़दंग मचल बा, जर्मनी में हुड़दंग मचल बा वेंटिलेटर के। ई लोग कम से कम 9 दिन 16, 9, 25 अदू 11 दिन लेट भइल बा लोग खाली कहे में, 11 दिन कम होला जी। जेकरा कार्यकर्ता लोग बा अपना बीजेपी का, करो लोग प्रचार, हम कहाँ के करी, हमार काम है राहुल काम है, करोड़ों रुपया का सरकार के पास पैसा है, फूका तो हमें प्रचार अखबार में मामूली विज्ञापन छपत था। जितना बात कहनी होता कि ना आखिर क्या जी गौतम बुद्ध नगर के देखें कितना बड़का फैसला ले लो कि केहू से किराया नहीं खेल जा सकत 1 महीना तक हो गई कहीं EMI ने। तो अभी रिजर्व बैंक कहले हैं कि 3 महीना तक अब बैंक लोग देखते रहे कितना मानत लोग कि नहीं के मानत, जेकर अपने आप कटेला वो बैंक के फोन करे के बा कि 3 महीना रहो सैलरी EMI ना लो क्योंकि तनख्वाह नहीं के मिलत रहो, तो रहुए सूचित करे के बना तो वो ऑटोमेटिक जो कटेला वो कटा जाए। तो रहुआ फोन करी बैंक के बताई कि ना हो। अब बहुत लोग बहुत अच्छा लोग भी हमें खूब निकलल बा, लोग बड़ा तकलीफ में लोगों के मददों करता, लेकिन ओकरो राशन खत्म नहीं हो जाता सारा चीज। डॉक्टर लोग का देखिए कितना शिकायत कैलक लोग कि हमें अभी ले लोग के नहीं मिलल, खाली हवे पानी में बात होता, हवे पानी में चल रहा है। टेस्टिंग किट के हम बता देनी रहो, जहां जर्मनी हफ्ता में 5 लाख करता हमनी के 300,000 निकी कर डेली आज लेना, खाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था हेडलाइन छप जाता। तब यह सब देखे के बाद ये देखला के माने का भाई, देखिए एक अच्छा क्या होता है कि अब सेना के लोग लाग जाए, बहुत सारा कंपनी लाग जाइए सन, तो वेंटिलेटर बनी अस्पताल बन जाइए सन, तो बहुत उकरा बादो लोगों के जिंदगी बाँचत रही। ये काम पहले हमनी के जागल रहती सन, हम बड़ा प्रोग्राम कैले बनी, लोग तबो हंसे हमारा ऊपर,
हाँ रुआ मोदी जी के विरोध करे कर रहे थे, ये अस्पताल दिखाओ थे भाई, हम अस्पताल ऐसे दिखाओ थे कि मोदी जी बनवा देश, नीतीश कुमार बनवा देश, जोगी जी बनवा देश, रघुआ जाई उतारी आरती, मना रोक ले बनी क्यों क्या ये नु हमनी के काम हो, हमनी की अच्छा कहत कि गौतम बुद्ध नगर जोगी जी 1,000 बस दिले, हम अच्छा नहीं की कहत, अरविंद केजरीवाल खियाओ तेरा लोग, हमने की अच्छा कहत, वो अच्छा कहता नहीं, आ केंद्र सरकार अभी आदेश दे ओकरों का अच्छा कहता नहीं हम कि ठीक बा भाई फसल के कटाई शुरू हो खोलो, किसान लोग के सारा अनाज जियान होता, हमें लोन ले लेबा लोग का किसान क्रेडिट कार्ड का, वो लोग फोन करे लगे कि हमने के लोन माफ करवाइए, हम कौन, हम MP हैं, लिख देता नहीं क्या पूछता हमारा, क्या गरियावे आ जाता रहा सुन, जब वो गरियावे रहे लुका जाते इनसे डर, ये बाप रे बाप, क्या तरह बोलता करा के इतना गरियावल जाता, हम अपना ला नहीं बोला राहुल, जिंदगी ला बोलता नहीं, जाना था नहीं मोतिहारी जिला के, नहीं तो हमको पता बा कि गांव देहात के लोगों के पास अगर उस लड़के को बच्चा को लड़की को अच्छा स्कूल कॉलेज मिला नहीं होता तो बहुत अच्छा करता हो, मेहनत करने में हम लोग कम थोड़े हैं किसी से, वो नहीं मिला है तो नहीं तकलीफ होती है तो बोलते हैं कि भाई काहे नहीं मिल रहा है, कोई ई क्यों नहीं कहत कि ला बोलत रहा न इतना बढ़िया कॉलेज बना देनी, अब हो गए तार मुँह बन गई, ई क्यों नहीं कहत, खाली गरिया होता रहसन, कविता लिखत रहसन भोजपुरी में IT सेल वाला, ओकनी के पहले 4 दिन ना बुझाइल कि बाप रे बाप ये तो भोजपुरी में इतना पॉपुलर हो गई बा, 14,000 लोग रख रहे बरा, 14,654 लोग, अच्छा ठीक बा तो जे बा तो रोवा लोग इन खूब देखिए वो गाड़ी दिला बड़ा है कोई बताई ना आपसे में लोग गाड़ी देता लोग कितना गलत बात बा, ये लोग सीख गई बा लोग गाड़ी देवे का, चेक करिए अपन रोवा लोग लड़का लोग कि ये लोग का करत लोग, तो ये सब कोनो बात गलती कहनी है, रोबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे अंग्रेजी कितना लोग जानता है, सब क्यों जानता है अगर बुझाता देखो तो नहीं अंग्रेजी, मैं वो एंड्रयू का क्यूमो बड़ा न्यूयॉर्क के गवा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए खुदे बताओ उधर है कि हमने के इतना चाहिए राष्ट्रपति देत नहीं खन उनका के भेजे के चाहिए, यहाँ जानते नहीं गलती लुकावे के खाती है ना, हमने के संकट आइल बा एकजुट रहे के बा आ सकारात्मक बोले के बा कुछ नहीं के पूछे कब से बोल हुआ, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर अपना राष्ट्रपति का आलोचना करता है देरी होता तो करी ना, तो देश के विरोध हो गए आ लोग मर जाए तो ऊपर जे चुप रहल आ लोग मर गए वो देश प्रेमी हो जाए, तो हमार बात कहल लिखल सही भाई 21 तारीख के वेंटिलेटर पे लिख रहे 27 के यहाँ के कहनी है कि 40,000 वेंटिलेटर चाहिए, अभियो कम कहा था 10 लाख वेंटिलेटर चाहिए अभी भारत के जुलाई ले, तो ये सब करे के बाद मन अच्छा रखी, आ जितना मरद लोग बा मेहरारू लोगों से वो अपील बा कि लोग निशा काम मत करो लोग, न तो पता चलल कि सारा लोग घर में आके बैठ गए बा रहुआ सुबह से बिहान तक हुआ रहुआ नाश्ता बनाओ तनी, तो बहुत लोग तनी बर्तनों दे दो कहीं पानी से भरवा के ले आई, ये सब जितना से इतना काम बा ये सब मरद लोग के बांट दी ताकि गाँव में लोग देखो लोग, और तनी कम परेशान हो गई अभी चुनौती तो आइए गई बा लोग केहू के लड़का दूर बा अपना तरह के स्वास्थ्य ठीक रखे के बा मन ठीक रखे के बा, तनी घूमी हुई गांव में चिड़ई के आवाज आवत रहसन वो सब सुनी लोग तनी मस्ती में तनी हंसियो मजाक तो होको गाँव में वो सब बंद हो गए रख, सब लोग बिलाई फिरत रहलक उड़त रहलक लोग हवा में, ना हम तो अमेरिका में रहते नहीं हम जाते नहीं दिल्ली हम बड़का भैल बनी, अब हमारा पता चलता इलाजे नहीं के कुछ है बाप रे बचाओ बचाओ ये मत छुओ मत छुओ मत छुओ हमारा कहे तनी दूरे रह, तो ये संकट आ गई आदमी के उड़ल जो है छोट हो गई, आसमान देखिए कितना सुंदर लगा था दिल्ली में, गांव का लोग आसमान तो सुंदर लगे ला लेकिन दिल्ली में देखो तीन खूब सुंदर लोग था नीला नीला आसमान एकदम से खूब मजा होता हो, बुझाता कि महेंद्र कपूर के गाना ना रहे नीले गगन के तले वे सुने का मन करता, तो जाता नहीं रहो लेकिन ठीक से रही मिजाज ठीक रखी मन ठीक रही, आ यो कोई कहते रहे नियोजित टीचर का मुद्दा उठा दीजिए गजब हाल है भाई, अबे आपका सैलरी सूझ रहा है यहाँ सरकार के पास लोगों का जिंदगी बचाने का टाइम नहीं है भी ना देखिए, तो सब एक दूसरे को जागरूक करिए साथी हाथ बढ़ाना टाइप से, हम लोगों की एक गलती है कि हम लोग हमनी के शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान ना देनी जा तो ओकर संकट तो भुगतल जाए सबके सबके भोगी, कबीर के गाना है ना राजा मरिए प्रजा मरिए मरिए वैद्य मरीज साधु मुर्दो का है गांव, गनवा गीतवा गाई दिन देखिए कितना सुंदर लगा था, तो ये सब जीवन के वास्तविकता है चुनौती है,
मजाक कोई चीज के ना करे के चाहिए। लोग कहते रउआ काहे की करत, हम सरकार थोड़े ही 40 लाख लोग हमारा अंडर में थोड़े काम करता, तो हमनी के सबका अपन अपन भूमिका, हमार भूमिका जानकारी खोज कर उनके बतावल जागरूक कर वो करता, लोग आओ तो पूछता ठीक बा। तो गोला तनी रोल में ठीक से रही, हमारा के आशीर्वाद दी गए, जितना गरियावत रह सन एकनी से हम एकनी के सामने टिकल रही आ एकदम हम ऐसे डराई वराई लेना एकनी से, लेकिन जौन बात लिखा तनी जौन बात बोला तनी बड़ा सोच समझ के बोली ले, अगर ओकरा के एक एक काट बा कि गरिया दरवेश के पढ़ के सोचे न तो आधा लोग जो गरिया वाले न दाँत चियार दिला लो राय बाप हैबत हो जाए, अब का बोली तो सही बात लिख ले बा, चल अगर गरिया लाठी से चाहे ये सीख ले बड़ो सन एकनी के। आई जितना लोग गरियाए वाला टीम रहे ना आईटी सेल के गौवा में बुलाई ना ओकनी के बुला के पूछी काहे हमनी के लैका के इतना कष्ट होता हो, खाना नहीं खे मिला तो पैदल चलत रहसन गुजरात में, गुजरातों में पैदल चलता लोग वहाँ के मजदूर लोग सूरत से भावनगर 400 किलोमीटर लोग जाता लोग पैदल चल के, तेलंगाना से लोग राजस्थान जाता लोग। तो ठीक रही रुआ लोग इन, और बाकी बहुत सारा जानकारी देनी है, अब की बार आए तो और कुछ नया जानकारी हुई तो दे। जय हिंद जय भारत, और मिलजुल के रहे के बा, और सामाजिक दूरी 6 फीट लाठी बना के सबसे दूर रह के बा, चाहे तरकारी किने जाई चाहे बैंक में जाई, सरकार घोषणा कैले भैया कि हम 500-500 रुपया देता नहीं जनधन अकाउंट में, एक माने ही ना बोल के बैंक में जाकर टूट पड़ी, बैंक अभी खुलल रही आराम आराम से जाके पैसा ली। अब बैंकरों लोग दुखित बाकी उनका नाम नहीं खेल जाता है भाई, उनका नाम अब प्रधानमंत्री न जानस, वो जानबूझ के थोड़े के नाम नहीं खन ले, पर सब क्योंकि योगदान के सराहा था देश, ऐसे बात नहीं कि डॉक्टर भैल है, ट्रेन चलाए वाला भैल, जो भी बस चलाए वाला भैल, सफाई कर्मी भैल, सब क्योंकि सराहा था। आ ओकर के तो सबसे ज़्यादा सराहा के चाहिए जे सामाजिक दूरी के पालन करो था रहुए लोग, इनके रहुए लोग जो अनुशासन कायम करें ओकरे नु अनुपात में हमनी के बीमारी से जीतल जाए, ये बीमारी जीती लोग बुझ गई नहीं। तो जय हिंद नमस्कार।